पिथौरागढ़ में सेना भर्ती कार्यालय को लेकर पूर्व सैनिकों ने सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया। सैनिकों ने कहा कि पिथौरागढ़ सीमांत जनपद है और यहां के युवा सेना में भर्ती होकर देश सेवा करते हैं। पूर्व सैनिकों का कहना है कि पहले यहां सेना भर्ती कार्यालय था, लेकिन अब उसे हटा दिया गया, जिसके चलते अब युवा सेना में भर्ती होने के लिए जिले से बाहर जाने को मजबूर है। वहीं सैनिकों की मांग है कि जल्द ही जनपद में भर्ती कार्यालय खोला जाए और समय समय पर सेना भर्ती का आयोजन किया जाए। हेलो उत्तराखंड न्यूज के लिए पिथौरागढ़ से मनोज चंद की रिपोर्ट। यहाँ पर क्योंकि विगत 2005 से सैन्य भर्ती यहाँ पे नहीं हुई है, हमारी मांग थी सरकार से कि यहाँ पर जल्द से जल्द सैन्य भर्ती की जाए, क्योंकि रोजगार पहाड़ में केवल एक ही साधन है, वो है सैन्य सेवा। और हमारा जो भी युवा है वो सैन्य भर्ती के लिए एकदम तत्पर है, स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, लेकिन यहाँ से हमें 200 से 500 किलोमीटर तक जो है रनिंग करके जाना पड़ता है, बसों में जाना पड़ता है, डग्गामार बसों में, जिसके कारण दूसरे दिन जो लड़का दौड़ता है तो वो वहाँ से फेल होकर वापस आ जाता है। कारण क्योंकि यहाँ से उल्टी करते हुए जो लड़का जाता है और उसके बाद वहाँ पर उसे न रहने के लिए शेल्टर मिलता है, न खाने के लिए खाना मिलता है, अतः दूसरे दिन सुबह जब वो दौड़ता है तो वो अपनी दौड़ पे क्वालिफाई नहीं कर पाता है। इसको मद्देनजर रखते हुए हमने कहा है कि चंपावत और पिथौरागढ़ का एआरओ पिथौरागढ़ में है, तो चंपावत और पिथौरागढ़ के युवाओं की भर्ती पिथौरागढ़ के एआरओ में की जाए। इसके लिए हम यहाँ पे एसडीएम साहब से मिलने आए हैं और हमने ये बताया कि कर्नल ऑफ एआरओ, उन्होंने कहा कि हमने रिक्वायरमेंट रखी है और रिक्वायरमेंट के आधार पर अभी तक हमें कोई रिप्लाई नहीं मिला है, इसलिए हमने एसडीएम साहब से कहा कि जल्दी से जल्दी उनको रिप्लाई दो ताकि वो भर्ती यहाँ पे रैली कर सकें और हमारे युवाओं को, पिथौरागढ़ युवाओं को यहाँ पे भर्ती होने का सौभाग्य प्राप्त।